Energy stored in a spring, potential energy stored in a spring, या work done in stretching a spring. जब हम potential energy की बात कर रहे थे, हमारे पास ना दो किस्म की potential energy ने जो हमें study करनी थी, एक gravitational potential energy और दूसरी spring energy. तो आज हम ये expression करने जा रहे हैं, expression for spring energy या potential energy stored in a spring. और potential energy का मतलब क्या है, किसी ना किसी ने तो work done किया होगा spring को खींचने के लिए. तो जो भी वो work done करेगा और उसके अंदर स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं. तो इसके लिए काम करें, इसके लिए सपोज आप एक स्प्रिंग कंसिडर करें. ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की ये एक स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है. नेचुरल लेंथ है और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की और फोर्स लगा के ये इसकी एक्सपेंशन है, ये इसकी एक्सपेंशन है. ठीक, तो मैंने फोर्स अप्लाई की और ये इसकी एक्सपेंशन है. स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का के स्प्रिंग कांस्टेंट, केस का स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि गिवन है. तो इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, एक स्प्रिंग की फोर्स एफ ऑफ एस, स्प्रिंग फोर्स जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स है, जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स है. क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, मुझे एक बात बताओ, जब आप इस स्प्रिंग को खींच रहे हैं और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपेंशन बढ़ती जा रही है, एकदम तो एक्स नहीं हुआ ना, धीरे धीरे करके एक्स हुआ. और जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी, एफ इज द फोर्स अप्लाइड, तो कई बुक्स में लिखा होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फोर्स अप्लाइड है, ये फोर्स अप्लाइड स्प्रिंग की फोर्स के ऑपोजिट है. आपको ये क्या चीज है, आप अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. और ग्रेविटेशन के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक वर्क डन कौन करता है, मैं करता हूँ एक्सटर्नल, और एक वर्क डन कौन करता है, ग्रेविटी. मेरे वर्क डन में और ग्रेविटी के वर्क डन में किसका अंतर है, माइनस का. क्योंकि याद करो, कंजर्वेटिव सिस्टम में एक्सटर्नल जो फोर्स लगाता है और जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है उसमें भी माइनस का चक्कर है. तो इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी जो आप फोर्स लगाते हैं वो स्प्रिंग के फोर्स के ऑपोजिट लगाते हैं. चलो वेक्टर से समझ लो, जो आप फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग की फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है. तो मैंने साइन माइनस लगा दिया और मुझे पता है कि स्प्रिंग की फोर्स की वैल्यू होती क्या है, माइनस के एक्स. तो मेरी फोर्स क्या होगी यहां पर, के एक्स. ये बात मैं आपको ऐसे भी बोल सकता था, बोल चुका हूं कि मेरी और स्प्रिंग की फोर्स बराबर है तो तुम के एक्स पुट कर देना, बोल सकता हूं. आपकी बुक्स ऐसे करती हैं तो मेरे को किताबें लैंग्वेज बतानी है, वैसे बोलती हैं कि एफ इज माइनस ऑफ एफ एस और एफ एस इज माइनस के एक्स, तो आपकी फोर्स की एक्स है. तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें मेंशन करूँगा कि मेरी फोर्स की एक्स के इक्वल है. अब मुझे ये बताओ, क्योंकि एफ, कैपिटल एफ किसके इक्वल है, के एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, तो एफ फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. अगर x कम है तो फोर्स कम है, x बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ती 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 जा रही है. तो अगर मैं कैपिटल F की वैल्यू क्या लिखता हूं, kx, और कैपिटल F फोर्स किसने लगाई, मैंने लगाई, तो मैं वर्क डन किसका निकाल रहा हूं, अपना वर्क डन निकाल रहा हूं इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग. तो कैपिटल F kx में x इज इंक्रीजिंग, F इज इंक्रीजिंग, F इज अ वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स के वर्क डन निकालने का तरीका ही एक है, वो क्या, इंटीग्रेशन. याद है फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्क डन, वेरिएबल फोर्स में असाइनमेंट भी दी थी,
कि वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हमेशा बाय इंटीग्रेशन निकलता है एफ डी एक्स। तो मान लेते हैं कि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितनी रही होगी डी एक्स, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया होगा एफ डी एक्स। तो और इसके अंदर एफ की वैल्यू पुट करते हैं कितनी के एक्स। और मान लो आपका स्प्रिंग कहाँ से कहाँ एक्सपैंड हुआ, एक्स आई से लेके एक्स एफ। एक्स आई एफ एक्स एफ का मतलब क्या है बताता हूँ, अभी दो मिनट रुक लिखो कि मतलब नहीं नहीं इनिशियल मतलब कि मान लो रास्ते में एक्स जो एक्सपेंशन है किसी भी इंस्टेंट पर एक्स आई है, मतलब आपका स्प्रिंग अभी यहाँ पर था तो एक्सपेंशन एक्स आई है, फिर स्प्रिंग यहाँ पर आ गया तो एक्स एफ है, तो यहाँ से यहाँ आने का वर्क डन निकाल रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ इस समय क्या करूँगा, मतलब आपका स्प्रिंग अगर 2 मीटर एक्सपेंड हुआ फिर 3 मीटर एक्सपेंड हुआ तो 2 से 3 जाने में कितना वर्क डन लगा वो निकाल रहा हूँ। कि जरूरी नहीं कि आपका वर्क डन हमेशा शुरू से एंड तक का पूछा जाएगा, बीच में भी रास्ते में पूछा जा सकता है एक्स आई एफ के साथ। तो वर्क डन के कॉन्स्टेंट है, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन है एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, वर्क डन के इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, वर्क डन हाफ के इंटू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो ये वर्क डन की वैल्यू है, ये वर्क डन की वैल्यू है। और यही वर्क डन स्टोर होगा स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी है तो मैं एक स्टेप लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू है इज अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट इज हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको और मॉडिफाई करूंगा, 2 मिनट लोगों यहां तक लिख लो पहले। ठीक है, अब एक स्पेशल केस इसमें नोट कर लेते हैं, वो क्या, इफ एक्स आई इक्वल टू जीरो एंड एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर इज द आंसर। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। मैं बताता हूं कि इसको यूज कैसे करना है, 2 मिनट। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखना है आपने, ये आपने क्या किया, आपने स्प्रिंग को एक्सपैंड करने का वर्क डन निकाल लिया, जो आपने वर्क डन निकाला वही स्टोर हो जाएगा उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपको क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएगा बताता हूँ इसको यूज करने के लिए, स्कूल में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एंट्री की हुई है इसकी। ठीक है, यहाँ तक देखो आपको क्वेश्चन में अगर सपोज ऐसे गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, और आपको मैंने ये कहा कि ये स्प्रिंग को मैंने यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया सच दैट एक्स आई की वैल्यू 2 मीटर है, 2 मीटर है, और अब मैं इस स्प्रिंग को और एक्सपैंड करने जा रहा हूं एक्स एफ। देखो एक चीज याद रखना, बाकी सब तो ठीक है, कि जो एक्सपेंशन हैं वो हमेशा मेजर की जाती है फ्रॉम नेचुरल लेंथ, जितना एक्सपैंड हुआ, अब ये नहीं कह सकते यहां से यहां गया ना, एक्स एफ का मतलब फिर से यहीं से है, तो ये ओरिजिन एक तरीके का। तो आपका नेचुरल लेंथ से एक्सपेंशन 2 मीटर है और नेचुरल लेंथ से ही एक्सपेंशन द्वारा कितनी हो गई 4 मीटर। तो यहां से यहां आने में कुछ क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन।
2 मीटर से 4 मीटर पे वर्क डन, तो आप कैसे करेंगे, हाफ इंटू के इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज द आंसर। तो अप्लाई मैंने क्या निकाला, एक्स एफ और एक्स आई में समझ में आ रहा है, रास्ते में कभी 2 मीटर भी हुआ होगा, रास्ते में 4 मीटर भी हुआ होगा। मैंने ये नहीं कहा शुरू से कितना वर्क डन है, मैंने कहा 2 मीटर से 4 मीटर में कितना वर्क डन है। तो आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आया कि अगर आपको फिर से एक बार स्प्रिंग गिवन है और ये स्प्रिंग की क्या गिवन है, नेचुरल लेंथ गिवन है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, और आपने इस स्प्रिंग को एक्सपैंड कर दिया कितना, मान लो 4 मीटर, तो आपने स्प्रिंग को एक्सपैंड किया 4 मीटर, क्वेश्चन है कि बताओ इसमें वर्क डन कितना किया। अब देखो ना, यहाँ से यहाँ का वर्क डन है, इस पोजीशन में इनिशियल एक्सपेंशन तो है ही नहीं, जीरो, वो तो नेचुरल लेंथ पे है, और फाइनल एक्सपेंशन जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू के इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप सिर्फ हाफ के 4 स्क्वायर लगा दे आंसर। समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन करना है, वो एक्स एफ और एक्स आई का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स आई एक्स एफ का कॉन्सेप्ट लगा के वो आप 2 मीटर से 4 मीटर भी निकाल सकते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन तो नेचुरल लेंथ से आता है। तो अगर नेचुरल लेंथ से आता है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ की एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 पुट कर दो आंसर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। समझ में आ रहा है यहाँ तक?